आप लोग के बीच शेयर करने वाली हूँ बनारस की फेमस कुल्हड़ वाली चाट की रेसिपी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो ये वाली चाट आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत चटपटा होता है बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर जिसे मैंने काट लिया है। मैंने यहाँ पे एक बॉयल आलू लिया है बड़ा सा, उसे मैंने छील के मैश कर लिया है, और यहाँ पे एक हरा मिर्च को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया था, कढ़ाई हमारा गर्म था, तो हमने एक चम्मच यहाँ सरसों तेल डाला है, और हाफ टी स्पून हमने यहाँ जीरा डाला है, और हमने जो हरा मिर्च लिया था उसे डाल दिया। जब मिर्च अच्छी तरह से चटक जाए उसके बाद हमें टमाटर डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे हम एक प्लेट चाट बना रहे हैं इसलिए मैंने सब कुछ कम कम लिया है। तो यहाँ पे देखिए, फिर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालना है, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत कम मात्रा में टमाटर का यूज़ कर रहे हैं इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप टमाटर की क्वान्टिटी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर दो टमाटर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ही टमाटर डाल रहे हैं। इससे ना मतलब मेंटेन रहता है टमाटर और आलू का जो टेस्ट होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे गरम मसाला डाला थोड़ा सा, और यहाँ पे नमक को डाल दिया ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद इस तरह से कलछुल से आपको टमाटर को अच्छी तरह से प्रेस कर करके आपको अच्छी तरह से टमाटर को गला लेना है पूरा अच्छी तरह से। जब हमारा टमाटर गल जाता है उसके बाद हम आलू डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं डालूँगी दो चम्मच के करीब पानी डालूँगी। तो आपको पानी मतलब चम्मच से ही आप अंदाज से डालें थोड़ा थोड़ा करके, अगर बहुत डाल दीजिएगा तो फिर ये सब्जी बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे चम्मच के इससे मतलब कि चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच पानी डाला है ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए, टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। उसके बाद हमने जो आलू रखा था उसे भी हम डाल देंगे, बॉयल किया हुआ आलू को। तो यहाँ देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा के दो कर दीजिएगा, लेकिन आलू आप एक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे एक ही प्लेट चाट बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिया है। अगर आप सबके लिए बनाना चाहते हैं तो आप सब कुछ डबल कर दें। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स करने के बाद फिर हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो आप ध्यान रखिए, पानी को बिल्कुल अंदाज से डालना है, ना कि बहुत डाल दें उसके बाद वो सब्जी बन जाएगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे चम्मच से डाल दी थी पानी ताकि समझ में आए। अगर आपको ज़्यादा हिसाब है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, हमें एक ग्लास ले लेना है जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, और इस तरह से आपको गैस का फ्लेम को मीडियम करके इस तरह से आपको करना है, मतलब थोड़ा सा ग्लास से अच्छी तरह से मैश करना है। इससे होता क्या कि टमाटर और आलू मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और इसी से ना चाट का टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है। तो आप ऐसे करके ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और पानी यहाँ पर डालने के बाद अच्छी तरह से इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो ये वाले प्रोसेस को आप ज़रूर कीजिएगा जब भी चाट बनाइएगा, इससे आपके जो चाट होंगे मतलब टमाटर आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, बन गया है, और अब हम इसे सर्व करेंगे और भी चटपटा बनाने के लिए। तो चलिए पहले से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, और अब हम इसे बिल्कुल बनारसी स्टाइल में मार्केट में जैसे कुल्हड़ वाले कैसे मिलती है चाट वैसा बनाएंगे। तो पहले देख लीजिए, हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं। हमने जीरा पाउडर, काला नमक, बारीक कटा प्याज, धनिया पत्ती बारीक कटा, मुरमुरा हमने थोड़ा सा लिया, नमकीन लिया है, दही लिया है, और थोड़ा सा टमाटो केचप लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इमली की चटनी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक कुल्हड़ लिया है, उसे अच्छी तरह से हमने धो दिया था, और धोने के बाद अब हम इसमें जो टमाटर चाट बना के आलू और टमाटर के रखे हैं उसे हम इसमें डालेंगे। और डालने के बाद अब हम ऊपर से सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि पहले हम जीरा पाउडर डालेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे काला नमक डालेंगे। आपको नमक के हिसाब से डालना है क्योंकि हमने नमक डाला था टमाटर मतलब जो चाट बनाया था उसमें, इसलिए हल्का डालना है। उसके बाद टमाटर केचप डालेंगे और दही को डालेंगे। ये हमारा घर का दही है, दही को अच्छी तरह से आप फेंट लें। आप यहाँ पे चाहो तो मीठी दही भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे खट्टे दही का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मीठे में मैं टमाटो केचप का यूज कर रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मुरमुरा डाला है, मुरमुरा ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमने थोड़ा सा नमकीन डाला है मिक्सचर, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज डालूँगी,
और उसके बाद धनिया पत्ती डालूंगी बारीक। आप यहाँ पे चाहो तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, लेकिन हमने फोरन में जो मिर्ची डाला था ना वो काफ़ी तीखा था, इसलिए हमने फिर ऊपर से मिर्च नहीं डाला है। उसके बाद ऊपर से फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया और थोड़ा सा टमाटो केचप डाल दिया। तो लो भाई, यहाँ पे हमारा चाट बनके तैयार हो गया है। अगर आप एक बार बना के खाओगे तो आप इसके दीवाने हो जाओगे, सच में दोस्तों, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आप सबको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है टेस्टी चाट। मुझे तो देख के मुँह में पानी आ गया है, मुझे रहा नहीं जा रहा है, चलिए मैं खा के बताती हूँ आप लोग को। बहुत सच में बहुत टेस्टी है यार, एकदम चटपटा सा है जी। जरूर ट्राई कीजिएगा यार, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनी है। तो दोस्तों आप ये वाली चाट जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। ये कुल्हड़ वाली टमाटर की बनारस की फेमस चाट बहुत ज्यादा टेस्टी है, आप ट्राई जरूर करिएगा। एक बार और खाती हूँ, बहुत टेस्टी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप एक बार ये चाट जरूर बना के खाइएगा, आप उसके दीवाने ना हो गए तो फिर मुझे आप बोलिएगा। और दोस्तों सच में ये चाट बहुत टेस्टी बनी थी, इसलिए मैंने आपको खा के बताया, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।